तो दोस्तों आज लेसन 10 और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इंस्टाग्राम की पोस्ट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा की एप्लीकेशन से। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कैनवा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कैनवा। ये काम आप पीसी से मोबाइल से दोनों से कर सकते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या फिर वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ से आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। तो वहाँ से आप अकाउंट बना लीजिए, साइन अप कर लीजिए। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, अगर आप पीसी में यूज़ करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। सेम इसी टाइप का इंटरफेस आपका फ़ोन में भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैनवा के ऊपर मैं एक प्रॉपर कोर्स बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, लेकिन अभी के लिए हम इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा जिसे सारे लोग क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर सर्च बार में जाना है, वहाँ पर टाइप करना है इंस्टाग्राम पोस्ट। जैसे ही आप टाइप करेंगे, बहुत सारी आपके पास टेम्पलेट्स बन के आ जाएंगी। आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कैटेगरी हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये साइन बन के आ रहा है, यहाँ पे प्रो भी लिख के आ रहा है। तो जो फ्री वाली टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिख के आ रहा है, तो आप ये वाली टेम्पलेट्स यूज़ करिएगा, इनसे आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको, देखते हैं किस किस टाइप की पोस्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस टाइप की पोस्ट हमें बनानी है, तो इस पर हम सिंपल से क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अब आप आसानी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसे इसमें चेंजेस करने हो आपको या फिर कंटेंट आपको रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्स्ट पे जाएंगे और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट कलर में जाके, यहाँ से इसका कलर चेंज हो जाएगा। और बी वाला यहाँ से आप इसको क्लिक करके आप बोल्ड कर सकते हैं फॉन्ट को, और यहाँ से आप फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस मतलब डिक्रीज हो जाएगा साइज़, कम हो जाएगा, प्लस मतलब बढ़ जाएगा साइज़। और यहाँ से आप फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको मुझे हटाना है, डिलीट करना है, तो इस पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। लेकिन फ़ोन में ऐसा ऑप्शन आता है आपका, जैसे आप क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसको मान लीजिए हमें चेंज करना है, लेकिन एक बात, हम इसका कलर चेंज करेंगे, ब्लैक चेंज, ब्लैक कलर करना है हमें। यहाँ से ब्लैक हो गया ये। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक्स्ट आपको उभरे उभरे से लगते हैं, तो वो शेडो होती है वहाँ पे। अब शेडो को वैसे इनेबल करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेडो, तो शेडो पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इस टाइप का आपको दिख जाएगा टेक्स्ट, मतलब कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको कोई इमेजेस ऐड करनी है या फिर कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो उधर लेफ्ट साइड में एलिमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ से आप कोई शेप वगैरह अपनी पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक सर्कल ऐड करना है, अभी टेक्स्ट के नीचे आपको दिख रहा है, तो इसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे हम और लेयर्स में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट के, और इसको हम छोटा कर लेंगे। बहुत सिंपल टूल है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अब इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, और उसको अगर डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट, यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं आप। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स, और यहाँ से आप ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। सी ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ से देख भी सकते हैं, बहुत सारे टाइप के ग्राफिक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अभी ये वाला ग्राफिक ऐड कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको किसी और टाइप का PNG चाहिए या फिर शेप चाहिए, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वो। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री में मिल जाएंगी, कॉपीराइट फ्री हैं ये सारी, आप यूज़ कर सकते हैं इनको। अब इसको बिल्कुल बैक में ले आना है, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और लेयर में जाएंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये आपका बैग में आ जाएगा। अब मान लीजिए इसके हमें ओपेसिटी कम करनी है, तो इमेज को सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, जितना आप करना चाहें आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टिकर जो है स्टिल इमेज में काम नहीं करते हैं, वो मोशन ग्राफिक और वीडियोज़ के लिए काम करते हैं। फिर यहाँ नीचे थोड़ा आएंगे, चार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, टेबल्स मिल जाएंगे, फ्रेम मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप इनको जाके देख सकते हैं। फिर हम आते हैं टेक्स्ट वाले सेक्शन पे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट के प्रीसेट मिल जाते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला है कि ऐड कर दे रहा हूँ, अनग्रुप करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देना है, इसका कोई काम नहीं है। मान लीजिए हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना लिखना है और क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, तो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे यहाँ पे और ऐड कर देंगे www.blantixmedia.com। इसको डुप्लीकेट करना है तो यहीं से आप कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं यूज़ करना है तो आप जस्ट इसको डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ या फिर PNG हैं,
तो अपलोड्स में जाके अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ फ्री वेबसाइट्स में बता दे रहा हूँ आपको फोटोज़ और वीडियोस के लिए। सबसे पहले है पिक्सल्स, pixels.com। तो इस वेबसाइट से आपको कॉपीराइट फ्री वीडियोस और फोटोज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, इसमें से आप फोटो और वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंडिंग में है जो वहीं आपको शो कर रही हैं, तो हम वीडियो भी देखेंगे। बहुत सारी वीडियो क्लिप आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है पिक्साबे, यहाँ से आप फोटोज़, वीडियोस, म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे सिंपल सर्च करना है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ ये वाला, और जाना है डाउनलोड पे। यहाँ से आप रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है, या फिर सीधे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारी ये फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी, ऐसे ही आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही वेबसाइट है PNG के लिए, तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके की PNG डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप सर्च करके किसी भी तरीके की PNG आप ले सकते हैं। तो अभी के लिए हमें इंस्टाग्राम का लोगो डाउनलोड करना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके साथ में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे डाउनलोड दिस PNG। इसके बाद यहाँ से वेरिफिकेशन के लिए मांगता है, यहाँ से आपको सारे कुछ सही से सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे आपकी PNG डाउनलोड हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें कैनवा पे इम्पोर्ट करनी है, तो फिर से हम कैनवा पे बैक जाएंगे, अपलोड्स में जाएंगे, उसके बाद हम अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप जितनी भी चीज़ें हैं अपलोड कर सकते हैं, और ये फाइल्स आपकी कैनवा में सेव रहती हैं। तो ये PNG हमारी आ चुकी है। तो मान लीजिए चेंजेस करके आपने डिज़ाइन यहाँ पे बना ली है, और अब हमें इसको डाउनलोड करना है। तो क्या करेंगे, आप शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको फाइल टाइप सेलेक्ट करना है। फाइल टाइप में आप JPG पिक कर सकते हैं या फिर PNG सेलेक्ट कर सकते हैं। PNG आपका बेस्ट होता है तो आप PNG सेलेक्ट करिए, और उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। आपकी ये फाइल डाउनलोड होने लगेगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी पोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।